गुरु जी के ऊपर बना रहे हैं। सभी का सरकार में नारा बोलना है जी, सतगुरु बंधन सदगुरु तेरा ही आसरा, श्री पुरुषोत्तम इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री नरेश इंसान है, श्री रामेर ये इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पावे, होवे जो संत करे तेरे नाल प्रीत लगावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा बड़ भागी जीव पावे, होवे जो संतकारी तेरे नाल प्रीत लावे। सतगुरु की प्रेम तेरा इस प्रेम ने बनाई मतवाली मीरा रानी, बिलनी बुला के बुत बुत लिख प्रेम दे तमानी। इस प्रेम की बड़ाई क्या कोई कह सुनावे, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लगावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा कबीर जाति का दुला उसने भी प्रेम पाया, निंदकाने चिट्ठियां पाया कबीर याद है रचाया। खाना जो आके जावे दन दन ही करता जावे, होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लगावे। सतगुरु जी प्रेम तेरा, ए प्रेम रूप पारस जिस मन दे नाल आके सोने देवांग उजल बनाल जाके। अनमोल दास है मेहमान कहीं न जाए, होवे जो संतकारी तेरे नाल प्रीत लगावे। सतगुरु की प्रेम तेरा मालिक है प्रेम रूप हरि घटी देवी वसदा, प्रेम है बड़ा साधन प्रेम नाल है उपदा। बड़े भागा नाल मिलता सत नाम जी सुनावे, होवे जो संतकारी तेरे नाल प्रीत लगावे।
सतगुरु जितें तेरा बट बागी जीव पावे होवे जो संस्कारी तेरे नाल प्रीत लावे सतगुरु जितें तेरा धन धन सतगुरु तेरा सतगुरु तेरा यात्रा श्री नरेश साहब श्री रामेर इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रकट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा गुनाहगार को जब अपना बना रखा मुझ गुनाहगार को मुझ गुनाहगार का जब अपना बना रखा है तेरे दर पे वो आ ही जाते हैं जिन्हें पीने की आस हो साकी आज इतनी पिला दे नजरों से खत्म रिंदों की प्यास हो साकी आज इतनी पिला दे नजरों से खत्म रिंदों की प्यास हो सतगुरु यूं ही नजर से पिलाते रहे सतगुरु यूं ही नजर से पिलाते रहे सतगुरु यूं ही नजर से पिलाते रहे पिलाते रहे मैं अदाओं पे खुद को मिटाता रहूं मैं अदाओं पे खुद को मिटाता रहूं यूं ही लगती रहे रूहानी मजलिसें यूं ही लगती रहे रूहानी मजलिसें मैं तो सजदे में सर को झुकाता रहूं मैं तो सजदे में सर को झुकाता रहूं सतगुरु यूं ही नजर से मिलाते रहे सतगुरु यूं ही नजर से मिलाते रहे मुझको चाहिए तेरी रहमत नजर मुझको चाहिए तेरी रहमत नजर मैं हूँ दीवाना तेरा रूपे तेरा असर मैं हूँ दीवाना तेरा असर जिंदगी इश्क में तेरे गुजरती रहे जिंदगी इश्क में तेरे गुजरती रहे आप बैठे रहो मैं दीप पाता रहूं आप बैठे रहो मैं दीप पाता
सतगुरु ही नजर से पिलाते रहे, सतगुरु ही नजर से पिलाते रहे। रोकती है मुझे सर्दी से जो बजार, रोकती है मुझे सर्दी से जो बजार, कब तलक दर्दों गम में रहूं मैं भला, कब तलक दर्दों गम में रहूं मैं भला, मेरी किस्मत बदल दे मेरे शहनशाह, मेरी किस्मत बदल दे मेरे शहनशाह, तेरी महफिल में आके ना जाना रहूं, तेरी महफिल में आके ना जाना रहूं, सतगुरु ही नजर से पिलाते रहे, सतगुरु ही नजर से पिलाते रहे। रहोगे जुदा प्यारे खुदा, सब तलक रहोगे जुदा प्यारे खुदा, मेरे महबूब तुम हो कभी मेरे बाप, मेरे महबूब हो तुम कभी मेरे बाप, रूबरू बैठ के इश्क की दास्ता, रूबरू बैठ के इश्क की दास्ता, आप सुनते रहे मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहे मैं सुनाता रहूं, सतगुरु यूं ही नजर से मिलाते रहे, सतगुरु यूं ही नजर से मिलाते रहे। नजरों ने घायल किया है सनम, तेरी नजरों ने घायल किया है सनम, तेरी नजरों ने घायल किया है सनम, तेरी नजरों ने घायल किया है सनम, दर्द ये जिंदगी भर कभी ना हो कम, दर्द ये जिंदगी भर कभी ना हो कम, पूरे दिल के मेरे ख्वाब होते रहे, पूरे दिल के मेरे ख्वाब होते रहे, आप सुनते रहे मैं गाता बजाता रहूं, आप सुनते रहे मैं गाता बजाता रहूं, सतगुरु यूं ही नजर से पिलाते रहे, सतगुरु यूं ही नजर से पिलाते रहे, मैं अदाओं से खुद को मिटाता रहूं, मैं अदाओं से खुद को यूं ही लगती रहे रूहानी मजलिसें, यूं ही लगती रहे रूहानी मजलिसें, मैं तो सजदे में सर को झुकाता रहूं, झुकाता सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। मैं बदल गई ख्याल बदल गए, आज कल मेरे
हाल बदल गए, नशा चढ़िया रहे शास्त्र नाम जी वाला, सानू दुनिया पागल कहंदी साड़ी सूरत सजन विच रहंदी ए, साड़ी सूरत सजन विच रहंदी ए, सूरत सजन विच रहंदी ए, सूरत सजन विच रहंदी 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 ए, साड़ी सूरत सजन विच रहंदी ए, साड़ी सूरत सजन विच रहंदी ए, नशा चढ़िया रहे शस्त्र नाम जी वाला, सानू दुनिया पागल कहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए, सूरत सजण विच रहंदी ए। यार बिना कोई जिक्र ना कीता, जिक्र ना कीता, सोने ने दिल मेरा खसिया, सदा लई अखियां विच वसिया, सदा लई अखियां विच वसिया, रूह होर दा ख्याल ना लेंदी ए, रूह होर दा ख्याल ना रहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए, सूरत सजण विच रहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए। नचती हाँ मैं होश भुला के, ताने दे दे सारा शरीका, इबादत करन दा मेरा एहो तरीका, प्रेम दी धमाल सदा पैंदी ए, दिल विच प्रेम दी धमाल सदा पैंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए, सूरत सजण विच रहंदी ए, हाँ सूरत सजण विच रहंदी ए। हर शै विचों उसनू लभदे, सच्चे सच्चे प्यार दे कुके, यार दे दर्श दीदार दे कुके, यार दे दर्श दीदार दे कुके, मस्ती कदे ना लेंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए, सूरत सजण विच रहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहंदी ए। Thank you.
सयो सज्जन मेरा रबनी सयो चरनी गई जी दे लगनी सयो इस बेटा के जोगनी वाला मेरा शास्त नाम जी दे नाम दी माला मेरा शास्त नाम जी दे नाम दी माला नूरी चरनों ते जिंद संगीए हमाली की सजनवा जी प्यारी सत्संग जी सचिव मुर्शिदे कामिल के पवित्र वचन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी भजन द्वारा धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय सब जीवों से प्रेम करो घर मालिक को पाना है सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है सब जीवों से प्रेम करो घर मालिक को पाना है एक नूर से मालिक ने सारी दुनिया साजी है सारी दुनिया साजी है एक बाप के बेटे हैं क्यों लड़ना लड़ाना है सब जीवों से प्रेम करो जात मजहब कोई मालिक न बनाए हैं मालिक न बनाए हैं हिंदू सिख ईसाई कोई ना पंडित मौलाना है सब जीव से प्रेम करो घर मालिक को पाना है काम करे मन काल कब कील है जी मन काल कब कील है जी सामन का जीवों को चौरासी में जाना है सब जीवों से प्रेम करो घर मालिक को पाना है सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है संत
बड़ा समझाते हैं, किस काम को आए हो, किस काम को आए हो, छोड़ अपने काम को जी, सब करते बेगाना है, सब जीवों से प्रेम करो। अपना असली वो जो साथ तेरे जाए, जो साथ तेरे जाए, श्वास श्वास में सुमरन कर, इकट्ठा कर लेकर जाना है, सब जीवों से प्रेम करो, घर मालिक को पाना है। करने जैसा और पुण्य नहीं दुनिया में, और पुण्य नहीं दुनिया में, बड़ा पाप बताते हैं, किसी दिल को दुखाना है, सब जीवों से प्रेम करो, घर मालिक को पाना है, सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। सब मालिक के बच्चे हैं, दिल किसी का दुखाना ना, दिल किसी का दुखाना ना, बच्चों को खुश करना मालिक को रिझाना है, सब जीवों से प्रेम करो। हर गट में समाया है, हर गट में समाया है, जी देखे गट गट में मालिक मन बाता है, सब जीवों से प्रेम करो, घर मालिक को पाना है। सतनाम जी कहते हैं, क्या हुआ अगर दौलत नहीं, क्या हुआ अगर दौलत नहीं,
कभी खत्म न होता है, ऐसा प्रेम का जाना है। सब जीवों से प्रेम करो, कर मालिक को पाना है। सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। धन धन सदगुरु तेरा देश। तो अभी आपने भजन में सुना, सब जीवों से प्रेम करो, घर मालिक को पाना है। सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। हमारे सभी धर्मों में लिखा है, ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब भाई गुरु मालिक। कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह वो रहता है। गॉड इज एवरीवेयर, कोई जगह उससे खाली नहीं है। हर समय, हर पल, हर क्षण, हर किसी के वो साथ रहता है। पर नजर उसे आता है जिनके अंदर प्रेम का मादा है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं और परमार्थ करते हैं। वो मालिक जो कणकण में है, वो मालिक जो जर्रे जर्रे में है, अगर कोई सच्चे दिल से मालिक का नाम जपे, उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करे, तो मालिक उसे कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आएगा ही आएगा, बल्कि उसके अंत्यकरण से भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि उस मालिक ने सबको बनाया है, एक ही नूर से, अपने नूर से सबको बनाया और सब में खुद है वो समाया। हर जगह, हर पल, हर क्षण सबका हिसाब किताब रखता है। कौन क्या करता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या करता है, ये उसके पास हमेशा हिसाब रहता है। वो नजर रखता है, नजर आता नहीं। वो ख्याल रखता है, जताता नहीं। वो परोपकार करता है, बताता नहीं। इसलिए वो ईश्वर कहलाता है, आदमी नहीं। वो दोनों जहां का मालिक है, फिर भी कभी किसी पे जताता नहीं, और जिसे जताता है वो आगे बताता नहीं। क्योंकि जिसको वो नजर आ जाता है वो छुपाने की कोशिश करता है कि मुझ पे रहमो करम बरसा मेरे मालिक का, मुझ पे रहमो करम बरसा मेरे साईं का, मैं इस कदर उसे छुपा लूं कि जैसे शेर में आपने सुना, शब्द में आपने सुना कि ना मैं तुझे देखने दूं और ना मैं किसी और को देखूं, तो उसके अंदर यही रहता है कि तू मेरा, मैं तेरा। बाकी एक मुरीद को होना तो ये चाहिए, पर होता तब है जब वो वास्तव में मेरा हो जाता है, तेरा निकल जाता है, कि अंदर से खुद ही निकल जाती है मैं मेरा और वो तू तेरा आ जाता है। तो मैं मेरा हो जाता है, वो दूर हो जाती है दुई द्वेष। यही होता है कि वो तेरा मेरा हो गया, यानी वो जो दूर था वो अपना हो गया और जो अपना था वो दूर, यानी खुद ही दूर हो गई, मालिक अंदर आ गया, मालिक अंदर बस गया। तो ये तभी संभव है जब जीव का दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन हो। दृढ़ यकीन कैसे आता है? आदमी सुमरण करे, सेवा करे, वचनों पे चले तो दृढ़ विश्वास आता है। संत पीर फकीर सबसे हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते रहते हैं, भाई बुरा ना करो, भला करो, नेकी करो, बुरे काम छोड़ दो, बुराई का संग ना करो, हाँ में हाँ मिलाओगे, किसी का कुछ जाएगा नहीं, आपका सब चला जाएगा, बचो इन बुराइयों से। तो संतों का काम तो बताना है, मानता है कोई नहीं मानता उसकी मर्जी, लेकिन सभी का विश्वास दृढ़ नहीं होता। आज करोड़ों साथ संगत है, करोड़ों का ही दृढ़ विश्वास है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं पारे की तरह विश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। आपको एक बात सुनाते हैं। कहते हैं कश्ती पे कोई सवार हो गए, 30 लोग चाहिए थे, 34-35 लोग सवार हो गए, कश्ती बीच में डूबने लगी। मलाह कहने लगा, भाई सेंटर में कश्ती है, डूबेंगे मरोगे तो सही, या तो सारे मर लो या फिर 4 लोग जो अपने मालिक को मानने वाले हैं वो छलांग मार दो, 4-5 लोग, क्योंकि आप किनारे लग जाओगे, मालिक लगा देगा और कश्ती भी डूबने से बच जाएगी। तो एक मालिक को मानने वाला था, उसने
मालिक को याद किया, समुन्द्र में गोता लगाया, वो झील में गोता, नदी में लगाया, वो पार हो गया। दूसरे ने भी मारी छलांग, वो भी पार हो गया। तीसरे ने मारी छलांग, वो भी पार हो गया। चौथा भी, पांचवें ने जब मारी छलांग तो वो डूब गया। कहते हैं आगे वो धर्मराज के पास गया। धर्मराज से उसने झगड़ा कर लिया, कहने लगा मेरे साथ वाले चार थे, मालिक को याद किया वो चारों पार हो गए, मैंने मालिक को याद किया तो मालिक ने पार क्यों नहीं किया। कहने लगे तूने किस मालिक को याद किया? उसने बताया जी फला मालिक को। कहते बुलाओ जी उसको, पूछते हैं, उसके पास ही चलते हैं। उसके पास चले गए। धर्मराज जी ने कहा जी आपका मुरीद है ये ऐसा कह रहा है। कहता हाँ हाँ इसने मुझे याद किया कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र हो उस रूप में, तो मैंने अस्त्र शस्त्र लगाए, मैं चला ही था इसको बचाने कि इसका इरादा बदल गया। कहने लगा नहीं मुझे अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, मुझे साज बजाने वाला चाहिए। कहता मैंने सोचा बड़ी गड़बड़ है, अब अस्त्र शस्त्र उतारे, साज उठाया, कपड़े चेंज किए, मैं फिर बचाने चला। कहने लगा इसने फिर मुझे औरत के रूप में याद कर लिया कि मुझे बचाए तो आप औरत के रूप में बचाएं। कहता बस मैं कपड़े उतार के साड़ी बांध रहा था, उतने में ये डूब गया, मैं क्या करूं। तो कहने का मतलब है विश्वास जब तक दृढ़ नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, वो अल्लाह राम भी मदद कैसे करेगा। एक को पतासे चढ़ा दिए, एक को खीर चढ़ा दी, ले बताओ ये पशु पक्षी है मालिक है आखिर। आप हलवे खाते हो, मालिक को खीने खिलाते हो, हलवा भी कितना इतना सा देते हो, लड्डू पेड़े भी थोड़े से देते हो और खुद डब्बा डब्बा रगड़ जाते हो। तो कहने का मतलब ये सब आपका खाने पीने का सामान है, इससे मालिक खुश नहीं होता। जब तक खुश नहीं होता, जब तक अंत्यकरण में खुश, दूर बुरे कर्म ना करो, पाप कर्म ना करो, टेंशनें बढ़ेंगी, घर में परेशानियां बढ़ेंगी, कोई चैन की नींद नहीं सोएगा, बेचैनी रहेगी। आगे मर्जी आपकी, मानना ना मानना, संतों ने क्या लेना है। कहीं कोई किसी चीज का डरावा किसी को किसी चीज का, तो मर्जी इंसान की है। इंसान को चाहिए वो इन चीजों को छोड़, किसी चीज का तो मर्जी इंसान की है। इंसान को चाहिए वो इन चीजों को छोड़ के, मन मते को छोड़ के, सीधा सीधा जैसे प्रेस मारते ना कपड़े के, सारे सलवट निकल जाते हैं, तो मन के ऊपर राम नाम की प्रेस मारो, इसकी सारी सलवट निकाल दो कि तेरी नहीं सुननी, सुननी है तो अल्लाह राम की, अपने पीर फकीर की। तो यकीन मानो जिंदगी के तमाम कांटे चुने जाएंगे और आप मखमल के ऊपर चलोगे, दोनों जहान की खुशियां हासिल कर जाओगे। तो यही भजन में आया था जी। और शारजा यूएई से बात करना चाहते हैं उपेंद्र इंसान, बोलो बेटा बात करो। पिताजी बोलो जी। पिताजी मैं उपेंद्र इंसान शारजा यूएई से बात कर रहा हूँ। पिताजी बोलो बेटा। पिताजी मेरे और मेरे परिवार और भाई रणकौर सिंह जी, उनकी फैमिली और पूरी यूएई के साथ की और से आपके जन्मदिन के लाख लाख बधाई हो पिताजी, कबूल करना पिताजी जी। आशीर्वाद। बोलो बेटा बात करो। पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी। जी पिताजी, पिताजी मैं शारजा में काम कर रहा हूँ पिताजी, घर में थोड़ा मेरा टेंशन बहुत चल रहा है जी, और पिताजी सिमर में मन भी नहीं लगता बेटा, बैठता पिताजी मन, पिताजी सिमर करने बैठता तो मन कहीं ना कहीं और ही ले जाता है। सुबह सुबह 3:30 उठता हूँ पिताजी, 4 बजे नहा धो के बैठता हूँ, आधे घंटे सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं पिताजी क्या बात है, मन कहीं और ही ले जाता है। बेटा मन का काम है कहीं और ले जाना, घर में खाना नाम जप के बनाओ, चलते फिरते सिमरन करो, फिर बैठ के सिमरन करो तो मन टिक जाएगा। ठीक है। बाकी पिताजी मेरी कमाई में बरकत नहीं है, मैं किसी से कोई ठगी बेईमानी नहीं करता जी, जो आपका आज्ञा होती है उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिताजी फिर भी मालूम क्या मेरे से क्या गलती हो जाती है। आप घबराओ नहीं बेटा, सुमन करके मेहनत करो, मालिक जरूर साथ देंगे। बाकी पिताजी मेरा परिवार इधर आया हुआ है, मेरे माता सुरेंद्र कौर इंसा जी है, मेरी पत्नी गुरप्रीत कौर इंसा है और मेरी बेटी जसप्रीत कौर इंसा है जी। पिताजी उनको खड़े करके आशीर्वाद दे दीजिए, जो हमारा दुख तकलीफ है आपके आशीर्वाद से सही हो जाएंगे। हाँ बेटा सामने खड़े हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शी, सुमन करना बेटा, आशीर्वाद, बैठ जाओ आशीर्वाद बेटा।
बाकी तो हमारी आपके चरण में और मिल जाए जी, बताओ कोई बेनती नहीं है पिताजी बस। जी बेटा, सेवा सेवन करो, बच्चनों पे रहो, मालिक और निभाते हैं बेटा, आशीर्वाद। ठीक है जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सात संगत अपना काम धंधा करते हुए टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लाइव वीडियो के द्वारा हजारों लाखों की तादाद में सत्संग देख रही है, सुन रही है, हमें नजर आ रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां बख्शे। रमनदीप इनसे स्टूडेंट सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लाइव मैसेज है जी, प्यारे पिताजी कल मेरा जन्मदिन है जी, केक बनाए, प्रसाद बना दो। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक आपको खुशियां दे, अच्छे नेक इंसान बनो, मालिक ताकत दे। प्यारे पिताजी, सिडनी की सात संगत ने भी ब्लड कैंप लगाया जिसमें 19 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है जी। जब हमने वहां के डॉक्टरों को सरसा आश्रम में लगे ब्लड कैंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया कि वहां एक दिन में 43,000 से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है, तो वो हैरान रह गए और कहने लगे, आर यू श्योर, इट इज अमेजिंग। तो उन्होंने कहा कि क्या वास्तव में ये सच है, ये तो एक जादुई बात है, एक हैरानीजनक बात है। तो बिल्कुल बेटा, आप लोग इतनी सेवा करते हैं, यहाँ मानवता की सेवा का समुन्दर है। अभी तो टीमें कम थी, वरना लाख से भी आगे गिनती जा सकती थी। और प्यारी सत्संग जी, जो ब्लड कल हो चुका है वो 43,732 यूनिट हुआ है। कल जो हुआ उसकी सही गिनती 43,732 यूनिट है। तो बहुत बड़ी सेवा है आप लोगों की, सत्संगत की। धन्य धन्य ऐसी जननी माँ बाप जिन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया है। बस बचनों में पके रहना, सत्संग सेवा सुमन करते रहना, मालिक अंदर बार कमी नहीं छोड़ता, मालिक रहमो करम से माला माल करता है। विदेश जाना है, कुवैत जाना है, भीमसेन आशीर्वाद बेटा। बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, एडम ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिल के जाना, प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद। बाहर परिवार बैठे हैं जी, भगवंत इंसा गुरनाम इंसा परिवार, भाग इंसा परिवार, गुरुदेव इंसा परिवार, सरी बीसी कैनेडा, राम प्रकाश इंसा भंगीता से एक्सपोर्ट कैनेडा, सीमा मजो का परिवार एडमिंटन कैनेडा, दलजिंद्र इंसा परिवार टोरंटो कैनेडा, मिक्की इंसा परिवार ब्रामपटन कैनेडा, कश्मीर चंद इंसा परिवार, परमजीत कौर व परिवार बरगामो इटली, सुखजीत कौर व परिवार तरबीजो इटली, बिक्की शर्मा बरेशिया इटली, अमनदीप इंसा रवि दत्ता लतीना इटली, नरेंद्र इंसा सासंक रोम इटली, प्रदीप इंसा विचिनसा इटली, बूटा जी का परिवार बोस्टन अमेरिका, गुरुदेव सिंह वे परिवार न्यूयॉर्क अमेरिका, रमेश इंसा वे परिवार बर्लिन जर्मनी, जगतार सिंह परिवार और जर्मनी, अनु वे कुंदन, डॉक्टर मोहित इंसा साइंटिस्ट वे परिवार रोस्टॉक जर्मनी, लक्की इंसा भंगीदास वे परिवार मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, सीमा इंसा वे वृंदा इंसा, जसलीन इंसा, रमनदीप इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया, राजेंद्र इंसा भंगीदा वे परिवार पर्थ ऑस्ट्रेलिया, रणकौर इंसा साथ में परिवार अजमान सिटी यूएई, उपेंद्र इंसा शारिया यूएई, सुखदीप कुमार वे परिवार सुमित शर्मा वे परिवार मनीला फिलिपाइंस, गुरमेल इंसा वे परिवार ये भी मनीला फिलिपाइंस, कल्पा इंसा वे दीपक इंसा सत्यरीत बीजिंग चाइना, गौरव इंसा ओंकार सिंह अमन इंसा इंग्लैंड, वीरपाल कौर वे परिवार ऑस्ट्रिया, गुरदीप इंसा भंगीदा वे परिवार दोहा कत्तर, विजय जॉर्जिया, शास्त्री गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, शास्त्री गर्ल स्कूल कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया राजस्थान। इसके अलावा भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आसाम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक, सांगली, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, सब जगह साथ संग बैठिए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। शास्त्री जी गिनेश बेलफेयर फोर्सिंग का प्रसाद लेने वाले 11 भाई है, अपनी जगह पे खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना, नाम लिखा देना बेटा, आशीर्वाद। शास्त्री फैमिली हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स जन्म महीने की अगस्त में घर में चंदा लेने के लिए इन्विटेशन कार्ड देने आए हैं जी। जी बेटा आशीर्वाद, कार्ड दे दीजिएगा, कार्ड दे दीजिए, प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद बेटा जरूर देखेंगे समय के अनुसार। लद्दाख से एक बहन, ले लद्दाख में भी भयानक तबाही के बारे में आप जी के चरणों में दिया मेरे की अर्ज करने आई है जी। जी बेटा मालिक से दुआ कर रहे हैं आज, प्यारी सत्संग जी, ले लद्दाख के लिए यहाँ से टेंटर भेजे गए हैं जो बाई एयर वहां पे सामान जाएगा, बहुत सारे बिस्किट हैं, टेंट हैं, तरपाले हैं, सत्संग जाएगी वहां, सेवादार भी जाएंगे, जाके वहां मदद कर रहे हैं। तो मालिक से दुआ भी करेंगे बेटा, बाकी मालिक से अरदास करेंगे।
दाबड़ी से परिवार, इस परिवार के 24 सदस्यों ने कल रक्त दान किया जी, आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, प्रसाद आप लोगों ने ले लिया, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। एक परिवार सुमरण करने से चोरी हुई 2.25 लाख के गहने वापिस हो गए जी। हम कहते हैं सिमरण में बहुत ताकत है, क्या पता क्या डंडा दिखाया होगा मालिक ने जो सारे गहने वापिस आ गए, वरना 2.25 लाख का कोई गहने ले जाए और वापिस पंजाबी के ने माड़े खड़खड़े तो दिंदे नहीं, यानी जल्दी से तो कोई वापस करता नहीं, वो तो मालिक जाने किस रंग में दिखाया उसने। आपके सुमरण ने हिम्मत, यही तो कहते हैं सब लोगों को, सुमरण करो रे भाई, सुमरण करो। कोई मान लेता है सुखी या नहीं मानता, कर्मों का फल पाता भाई। लंगर घर की पक्की समिति वाली सेवा दर्पण जन्म माह के उपलक्ष्य में 21,715 रुपए के ग्रंथ गरीबों को निःशुल्क दे रहे हैं जी, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। खड़े हो जाए बेटा, सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। मालिक आप सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद आशीर्वाद घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद बेटा। घर जाने की आगे लेनी 110 दिन वाला एक भाई, बिहार से 33 भाई बहनों नाम लेकर वे जाम पीकर वापिस जा रहे हैं जी, सबको आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, बिहार वालों को भी प्रसाद देना भाई, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, जितनी सेवा सेवन किया उससे बढ़ चढ़ के मालिक रहमो करम बरसाए। बीमार में बीमारों के लिए प्रसाद लेकर जाना है जी, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदे तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो या 3 हॉस्पिटल गुरुसर मुड़े से दवाई ले लो, राय ले लो, पर जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना है। कैंसर ला इलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, यहाँ हॉस्पिटल जो है उनमें गरीबों का इलाज संघ की तरफ से फ्री है जी। 3 बचनों में जिनसे पहली बार गलती हुई है, 3 परहेजों में पहली बार जिनसे गलती हुई है, वो अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो। 3 बचनों में पता है कि मेरे से 3 बचनों में गलती हुई है, सिर्फ वो लोग खड़े हों। पहली बार जिनसे गलती हुई है, मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करके आपको आशीर्वाद कहते हैं, हाथ आपकी तरफ आए उससे पहले पहले खड़े होना, खड़े रहना है, आशीर्वाद आशीर्वाद खड़े रहना है, आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ। अनजाने में खाने पीने की गलती हुई है, अनजाने में कुछ खा पी लिया, ऐसी कोई गलती हुई है तो वो बैठे बैठे नारा लगाते हैं, उन सबको माफ है। बाकी नाम सुन लिया, खजाने वाले दोष के लिए निंदा की, भ्रूण हत्या करवाई, सेवा पर नहीं आई, दांत चोरी हुई, दांत वाला कप टूटा, प्रसाद गुम हुआ, बुजुर्गों वाले केबिन में बैठने से सारे बाल सफेद हो गए, खजाने वाला सिक्का खर्च हुआ, लॉकेट गुम हुआ, भक्ति योद्धा में नाम लिखवाया था अब कटवाना है, दूसरी बार माफी लेनी है, 2 महीने सुमरण किया, गर्भित गर्भित खड़े होकर नारा लगा दीजिए, और भक्ति योद्धा में जिसने नाम लिखाया था अब कटवाना है तो वो सारी खुशियां वापिस करेगा मालिक भाई, जो उस समय हुई थी वचन और मर्जी आपकी, क्योंकि वो खुशियों का आपको आशीर्वाद मिला था वो सारा वापिस, आप अपना चाहे नाम कटवाएं आपकी मर्जी। तो भूत प्रेत वाले जो आए हैं वो जल्दी से खड़े हो जाओ, जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल है वो अपनी जगह पे चुपचाप खड़े हो जाओ, कहते मेरे अंदर कसर है, चुपचाप बोलना नहीं कुछ करना नहीं, आराम से चुपचाप खड़े रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद आपको आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आपके सारे भूत भागे, जल्दी बैठो, खड़ा रह गया कोई तो भूत आ सकता है, जल्दी बैठ जाओ नारा लगा के। हाँ ऐसे तो आपके सारे भरम भूत भगा दिए, बीमारी वाला प्रसाद ले लेना, डॉक्टरों से बीमारी का दवाई भी ले लेना, आपके अंदर कोई भूत बात नहीं है, 100% भूत भागे हैं तो आप दवाई ले लेना, सुम करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 8 बजे सर से राज्य सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मिलती दुखरी अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 14 भाई बहन दिन दुखे मध्य में आज बैंक में पैसा जमा करवाया है जी, वो खड़े हो जाए। तो जिन्होंने भी दिन दुखी मध्य में बैंक में आज पैसा जमा करवाया है, आप सबके घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां, मालिक रहमो करम करें, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। बैठ जाइए आशीर्वाद। शासनाम जी गर्ल स्कूल सरसा जोन प्रतियोगिता में विभिन्न टीम गेम्स में 14 गोल्ड मेडल जीते, 21 खिलाड़ियों के डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुई है। शाबाश बेटा शाबाश, और हिम्मत करो और आगे बढ़ो, मालिक साथ है बेटा, प्रसाद ले लेना। सब जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ रनर अप ट्रॉफी जीती है जी, शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, आशीर्वाद प्रसाद सबने लेना और आगे बढ़ो। जिला शतरंज टूर्नामेंट में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, शाबाश बेटा, आशीर्वाद। कलकत्ता में हुई सब जूनियर जूनियर व सीनियर किक बॉक्सिंग में 3 गोल्ड 1 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सभी खिलाड़ी शाबाश चाहते हैं, सबको आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आगे बढ़ो। तो जो भी सत्संगता आश्रम में सत्संग में चल के आई है जी, अभी थोड़ा सा समय बैठना है, प्रसाद पहन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आए तो बैठे बैठे ऊपर कर लो। सारी सत्संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए जी, आशीर्वाद।
और आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आया नूक शाम दीद कहते मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का तो जैसे सेवा दर भाई रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सभी सात संगत से विनती है कि एक दो मिनट के लिए ऐसे ही सजे रहें जी।